Hi everyone, welcome to my channel Recipes at Random. Friends, egg का omelette तो आपने बहुत खाया होगा, पर आज मैं बना रही हूँ omelette without egg, जो बहुत ही soft और fluffy है. तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप बेसन, 1/2 कप प्याज, 1/2 कप टमाटर, पानी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, हरा धनिया, 2 टेबलस्पून मैदा और हम बनाएंगे इसे बटर में. चलिए ले लिया है एक मिक्सिंग बोल. अब एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे. मैंने डाल दिया है बेसन. अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप करके रखा था. इसके बाद टमाटर, इसे भी मैंने फाइन चॉप करके रखा था. ये मैंने डाल दिया है मैदा. अब डाल रही हूँ ये जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. बेकिंग सोडा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग सॉल्ट. अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे. एक साथ पानी बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इसे अच्छे से विस्क करें, फिर जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग पानी हम और ऐड करेंगे. थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर लिया है. अब इसे अच्छे से विस्क करेंगे. 3 से 4 मिनट तक इसे हमें अच्छे से विस्क करना होगा, जिसमें इसमें कोई भी लंप ना रहे. अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया पत्ता. इसे अच्छे से विस्क करते रहिए. और ये मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं विस्क करते हुए और स्मूथ बैटर बन के बिल्कुल रेडी है. इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पोरिंग होनी चाहिए. ये देखिए कि अच्छे से आप इसे पैन में स्प्रेड कर सकें. गैस पे मैंने रख दिया है पैन. मैं बनाऊंगी इसे बटर में. बटर से मैंने पैन को अच्छे से ग्रीस कर दिया है. अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ. आप स्पून की हेल्प से या पैन को इस तरह से घुमाते हुए आप इस ऑमलेट को स्प्रेड कर लेंगे. और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से होल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑमलेट अंदर से अच्छे से कुक हो गया है. चलिए इसे फ्लिप कर लेते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है. मैदा डालने से इसमें ऑमलेट की तरह से एक बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है, इसलिए मैदा डालना इसमें ज़रूरी है. मैंने लगा दिया है बटर और चलिए देखिए नीचे से भी कुक हो गया है. अब इस तरफ से मैं लगा दूंगी बटर. या बच्चों के टिफिन के लिए रख सकते हैं, या जब कुछ समझ में ना आए संडे को कि क्या बनाएं तो आप ब्रेकफास्ट में फटाफट बना सकते हैं. और इसी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है दूसरा भी. चलिए देखते हैं, ये पीछे से देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह लग रहा है. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए. चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.